आप सबको स्वागत है। आज हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 20 नवंबर के शिवगान की, जहां परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हमारे अंदर थोड़ा सा भी अंश अहंकार का न रह जाए। और आज परमात्मा कुछ ऐसे पॉइंट्स की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं जो कि हमें चेक करने हमारे अंदर कि हमारे अंदर कहीं सूक्ष्म अहंकार तो नहीं है। कहते हैं कि परमात्मा हर चीज़ देता है हमें, ये सब कुछ भगवान का दिया, लेकिन हम बाहर भौतिक चीज़ों को हम भगवान का दिया हुआ कह देते हैं, जो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, हमें गिफ्ट देते हैं, टैलेंट्स का, स्किल्स का, जो कि वो इस्तेमाल करते हैं इस दुनिया में स्वर्ग लाने के लिए, नर्क को परिवर्तन करने के लिए। लेकिन हम समझ लेते हैं कि ये मेरे टैलेंट्स हैं या मेरे गिफ्ट्स हैं, मेरी आदतें हैं, अच्छी आदतें हैं या मेरे अंदर ये गुण हैं, और इसी चीज़ का अहंकार हमें कहीं गिरा देता है। तो देखें आज परमात्मा इसके ऊपर क्या दर्शाना चाहते हैं। इस ज्ञान के पॉइंट्स पर परमात्मा कहते हैं, देह अहंकार, देह का अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले अकारी सो निराकारी भव। कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगाव, देह का जो आकार है, रूप रंग है, रेखा है, उससे जो अहंकार है कि मैं खूबसूरत हूँ या मैं अच्छा हूँ दिखने में, ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं बहुत सारे लोगों की। जब वो ब्रह्म कुमारी इसमें आते हैं, आस्ते आस्ते उनको उन चीज़ों से अट्रैक्शन या अटैचमेंट कम होता है, अभिमान नहीं है। लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार, लेकिन देह के संबंध, क्योंकि आत्मा देह में रह करके अपने आप को एक्सप्रेस करती है, और जो एक्सप्रेस करती है उसमें क्या क्या आता है, से अपने संस्कार विशेष हैं, मेरी जो आदतें हैं वो विशेष हैं, मैं ये नहीं करता वो नहीं करता, ऐसे नहीं खाता वो नहीं खाता, ये करता हूँ वो नहीं करता, उसका अहंकार। बुद्धि विशेष है, मेरे को सब समझ आता है, इन लोगों को समझ नहीं आती थी, छोटी बात समझ नहीं आती इन चीज़ों को, अरे। या गुण विशेष है, मेरे अंदर नम्रता बहुत ज़्यादा है, मेरे अंदर अभिमान नहीं है बिल्कुल, मैं बहुत ही प्यार से बात करता हूँ सबसे, ये जो अभिमान है गुणों का होने का भी जो अभिमान है परमात्मा कहते हैं। कलाएँ विशेष हैं, बोलने की कला, डांस करने की कला, खेलने की कला, रमणीक बनने की कला, जोक्स मारने की कला, या लोगों को हल्का बना देने की कला है, उसका अभिमान अर्थात अहंकार इन कलाओं का भी सूक्ष्म है, जो कि दिखते नहीं है, लेकिन हम अपने शरीर के द्वारा हम आत्माएं एक्सप्रेस करती हैं इन कलाओं को, संस्कारों को, विशेषताओं को, गुणों को, और उसका भी अगर अहंकार आ जाए, नशा, रोब और के ऊपर रोब छाड़ना, ये सूक्ष्म देह अभिमान है, बहुत ही सटल है, जो कि दिखता नहीं है। हाँ, शारीरिक रूप से हम तो हाँ अपने आपको साधन बना लिया हमने, सपोज सफेद कपड़े भी पहन लिए हमने, मैच भी लगा लिया हमने सपोज, और हम हर कार्य कर रहे हैं परमात्मा, लेकिन अगर हमारे अंदर बुद्धि आने का, ये परमात्मा के ज्ञान और मेडिटेशन के द्वारा जो हमें बुद्धि साफ मिल जाती है, जो हमारे अंदर गुण आ जाते हैं, कलाएँ आती हैं, जो परमात्मा हमारे अंदर उजागर करते हैं और उन्हें इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी नहीं होती है, और इनका जब हमें अभिमान आ जाता है, इनको हम मेरा समझ शुरू कर देते हैं, मेरे अपने ये गुण हैं, और ये अभिमान के कारण क्या होता है, परमात्मा कहते हैं ये सूक्ष्म देह अभिमान है, तो ये अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता, आकारी फरिश्ता, हमारी जो ऑरा बॉडी, फरिश्ता बॉडी है, जो कि कहीं विश्व की आत्माओं को एक सेकंड में जा करके मदद कर सकती है, पूरे विश्व में लाइट माइट फैला सकती है, उसकी सीमा कम हो जाती है, वह निराकारी बनने नहीं देगा। यह अभिमान क्या करता है, सूक्ष्म हमें फरिश्ता, आकारी फरिश्ता या निराकारी, डिटैच्ड बॉडी से डिटैच्ड मेडिटेशन की जो फीलिंग होती है, वो हमें फरिश्ता या निराकारी बनने नहीं देगा। इसलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे। आकारी पहले फरिश्ता स्वरूप, उसके बाद फिर जब मुक्ति में जाएंगे तो हल्के होके जाएंगे। लेकिन अगर कोई भी चीज़ का अभिमान है, यहाँ के गुण इस्तेमाल करे मैंने, और गुणों के द्वारा मेरे को नाम मान शान मिला, मेरे संस्कारों के द्वारा, मेरे अंदर की शक्तियों के द्वारा, मेरे स्किल्स के द्वारा, मेरे टैलेंट्स के द्वारा मुझे नाम मान शान मिला, तो बुद्धि यहाँ रहेगी और आत्मा के अंदर, बुद्धि मन आत्मा के अंदर है, तो आत्मा भारी हो जाती है और वो हल्का फरिश्ता नहीं पाती और वो मुक्ति में जाना मुश्किल हो जाता है। बिकॉज जैसे इसी दुनिया का नाम मान शान कमा लेते हैं, परमात्मा जो उस दुनिया में बैठे हैं उनकी नज़र में नाम मान शान घट जाता है। यह बहुत ही गहरी बात है, सुनने में तो किसी किसी को भारी भी लगती होंगी, लेकिन इसको हम हल्का कर सकते हैं जब हम मेडिटेशन सीखें ब्रह्म कुमारी में आकर के, और एक एक कदम इसकी तरफ लें। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप भी चाहें www.brahmakumaris.org international या .com जाएं, और अपने क्लोजेस्ट सेंटर में जाकर के आप
राजयोग विद्या सीखें, या गूगल पर भी चेक कर सकते हैं सिटी ब्रह्म कुमारी और अपनी सिटी का नाम डालकर। इसके साथ ओम शांति है।